नमस्कार, खबर 10 बजे में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सीधा रुक करेंगे बड़ी खबर का। हापुड़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तो तेज रफ्तार के कार ने ट्रोली में भारी टक्कर, हादसे में कार सवार दो लोग घायल। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड की पूरी घटना आपको बता रहे, जहां तेज रफ्तार का कहर बरपा है। तो तेज रफ्तार कार ने ट्रोली में टक्कर मारी, जिसके चलते ये हादसा। तो हादसे में कार सवार दो लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड की घटना है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, जिसके चलते देखिए आप तस्वीर में कि किस तरह से ये जो कार है वो ट्रॉली में जा घुसी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और कार का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है, जिसमें दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। देखिए वो ट्रॉली है जिससे टकराई, जिसमें गन्ने भरे हुए थे और रफ्तार की कार इतनी तेज थी कि उस पर नियंत्रण जो है वो चालक का नहीं हो पाया। और उसके बाद देखिए किस तरह का रफ्तार का कहर यहां पर बरपा है। इस गाड़ी की स्थिति से समझा जा सकता है कि भिड़ंत कितनी जोरदार यहां पर रही होगी। तो कार सवार की लापरवाही अभी तक की जानकारी में सामने आ रही है, क्योंकि कार की जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी, जिस पर वो बैलेंस नहीं बना पाया और उसके बाद ये जोरदार भिड़ंत के बाद कार का चालक समेत एक और घायल हुआ है। फिलहाल दोनों जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं और इस मामले पर जांच पड़ताल भी जारी है। तो थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के की पूरी घटना। और अब खबर अमरोहा से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में चार लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। तो अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी थी टक्कर। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग का ये पूरा हादसा, जहां भीषण सड़क का हादसे की खबर सामने आ रही है। तो चार लोगों की दर्दनाक मौत इस भीषण हादसे में, अमरोहा की ये पूरी घटना है जिसमें चार लोगों की मौत, तो वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो अज्ञात वाहन ने ऑटो में ये टक्कर मारी थी। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग पर यह हादसा यहां पर देखने को मिला है। किस तरह से ऑटो के परखच्चे इस भिड़ंत के बाद देखने को मिले हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। परखच्चे उड़ते हुए इस ऑटो के, जिसकी सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। और इस भीषण हादसे में चार लोगों के दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। तो वहीं एक की हालत जो है वो गंभीर है, जिसे फिलहाल हायर सेंटर रेफर किया गया है।